सो गुड मॉर्निंग गाइस, कमिंग बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी हम हैं रानी रूपमती के महल पे। यह महल 365 मीटर ऊंची पहाड़ी पे बना है। और यह महल इसलिए बना गया था क्योंकि रानी रूपमती जो है वो नर्मदा का दर्शन करने के बाद इस मंडप का उपयोग करती थी। और यह बहुत ही ऊंची सीढ़ी है यहाँ से, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा घूम के जाते हैं। ये एक और रास्ता है, थोड़ी आसानी रहेगी और अपन व्यू को एंजॉय भी कर पाएंगे। ये पेड़ बनाया गया है बैठने के लिए स्थान, और बहुत ही ऊंचाई पे ये महल है। तो आइए चलते हैं। और ये सीढ़ी बनाई गई है कुछ इस तरीके से, और ये नीचे से हम जो सीढ़ी बताई थी ये वो है, यहाँ से अपन ऊपर आ सकते हैं। तो चलो चलते हैं। किस प्रकार से सीढ़ी बनाई गई है मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बनाई गई है सीढ़ी, और एकदम ही अंदर घुसा के रखी है। तो ऐसे पत्थर उसको अंदर डाल दिए हैं जहाँ से हम आसानी से जा सकते हैं चढ़ के। और मेरे को लग रहा है रेलिंग अभी अभी लगाई है ताकि कोई गिर नहीं जाए। बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है यहाँ से। देखो क्या व्यू है, वो सामने पहाड़ी, वहाँ हमने कहीं पे कैंपिंग करी थी, वो उधर ही है वो। ये सीढ़ी ऊपर जाती है और ये चारों कोने है आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ये फोटो नहीं है, ये वीडियो है, देखो चल रही है ये। तुमने थोड़ा थोड़ा पार्ट लिया था, और अपन ऊपर जाके बताते हैं क्या व्यू है। बहुत ही अल्टीमेट जगह है वो। हो वाओ, मतलब लोगों ने आए हुए हैं यहाँ पे। ये चारों साइड जाम की खेती है, जाम है और सीताफल है। इस प्रकार से कुछ मंडप है। चलिए अंदर चल के देखते हैं। ओहो क्या ठंडक है, गजब की। यहाँ वो लोग भी हैं, बच्चे हैं, फोटो शूट करा रहे हैं। चलो अपन बाहर चलते थोड़ा। हो पक्षी मस्त उड़ रहे हैं ठंडी हवा में। और यहाँ से नर्मदा के दर्शन करती है रानी रूपमती, वो सामने आप देख सकते हैं। एक बार और चलते हैं। हमने रीटेक करा था वो, देखो सामने नर्मदा जी आप देख सकते हैं, वो नदी है वहाँ पर, विजिबल नहीं होगा। और नीचे जाने का रास्ता है, वापस से वहीं पहुंच जाएंगे। और हम थोड़ा अपन व्यू देखते हुए चलेंगे। यहाँ से थोड़ा क्लियर है नर्मदा जी।